इस वीडियो नंबर 4 में हम लोग एक क्या कहते हैं न्यू रूल सीखेंगे, जिस न्यू रूल्स का नाम होता है चेन रूल। तो उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले जो हैं यहाँ पे उनको याद करने का ट्रिक या कह सकते हैं समझने का ट्रिक, क्योंकि इन फॉर्मूले से भी काफ़ी नंबर हमें मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछ दिए जाते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, तो ये काफ़ी हेल्प करेंगे। तो देखिए, एक फॉर्मूला जो हम लोग पहले ही से जानते थे, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर पहले आएगा ओके, और ऊपर जो है पावर में से एक कम हो जाएगा, है ना, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है, जैसे कि ए कोई कांस्टेंट है और उसका पावर वेरिएबल आ जाए, आ रही बात समझ में, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कांस्टेंट था, यहाँ पे कांस्टेंट का पावर वेरिएबल आ जाए, तो उसका होता है एज इट इज़ ए टू द पावर एक्स लिखेंगे जो रहेगा वो, और यहाँ पे लॉग जो कांस्टेंट है वो, ठीक है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी मैं बताऊँगा। जैसे कि अपने पास, मैं यहीं पर बता देता हूँ, सपोज़ कीजिए यहाँ पर अपने पास डेरीवेटिव ऑफ टू टू द पावर एक्स है और इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, तो टू कांस्टेंट है तो डायरेक्ट लिख लीजिए पहले टू टू द पावर एक्स जैसे है वैसे, और लॉग ए कितना है अपने पास टू, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और ये कब, जितना यहाँ पर एंगल है उतना ही के रिस्पेक्ट में करेंगे तब, इस पर बड़ा ध्यान देना है आपको, ठीक है। टेन एक्स का डेरिवेटिव जितना यहाँ पे एंगल है उतना ही के रिस्पेक्ट में करेंगे, तब जाकर के हम इस फॉर्मूला को लगा पाएंगे कि टेन का डेरिवेटिव कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। और इन, अगर आप मान के चलिए कि चाहते हैं कि इन फॉर्मूलों को मैं प्रूफ कर दूँ, तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसको प्रूफ भी कर दूँगा, एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूँगा सारे फॉर्मूले को प्रूफ करके कि कैसे आया, ठीक है। अब देखिए, हम याद करने के लिए एक ट्रिक अपनाते हैं कि किस में माइनस लगता है। तो देखिए, जो जो सी से स्टार्ट होता है, जैसे कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉस एक्स सी से स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी चीज़ सी से स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक में, उसमें क्या लगेगा, माइनस लगेगा। पहले यहाँ पे लिख दीजिए माइनस, क्या लगेगा, माइनस। ये एक ट्रिक है याद करने का। तो कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन एक्स, और माइनस लगेगा तो माइनस साइन एक्स होता है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, और साथ में माइनस, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक का डेरिवेटिव कितना होता है, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। उम्मीद है ये आपको, ये ट्रिक जो है वो पसंद आया होगा, याद करने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा कि किसमें माइनस होगा किसमें प्लस होगा, क्लियर है, ओके। वैसे ही सेम टू सेम अब साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स इनवर्स का देख लेते हैं, इनवर्स ट्रिकों का। तो साइन इनवर्स एक्स का जो होता है वो होता है वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन का होता है वन अपॉन में अंडर रूट नहीं होता इसमें, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सेक इनवर्स का क्या होता है, तो सेक इनवर्स का होता है वन अपॉन में एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ओके। अब इसका देखते हैं, बिल्कुल आसान सा है बिल्कुल, इसमें भी इनवर्स ट्रिगो में जिसका सी से स्टार्ट हो रहा है उसमें माइनस लगेगा, पहले ही आप माइनस लगा सकते हैं, ठीक है, पर हम साथ में लिखेंगे। तो कॉस इनवर्स का, तो जो साइन इनवर्स का होता है बिल्कुल उतना ही होगा, जो साइन इनवर्स का होता है उतना ही, जस्ट इसमें क्या लगेगा, माइनस, तो यहाँ पे लगेंगे माइनस वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का क्या होगा, तो माइनस लगेगा, जो कॉट इन यहाँ पे अपने पास टेन इनवर्स का होता है वही रहेगा, बस उसमें क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स का क्या है, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही कॉसेक इनवर्स, तो देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स एक्स का जितना है उतना ही होगा, बस उसमें क्या लगेगा, माइनस, तो माइनस वन अपॉन में एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। उम्मीद है ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स हो, ई का पावर एक्स हो, तो इसका डेरिवेटिव इतना ही होता है, ठीक है। अच्छा, लॉग बेस ई या सपोज कीजिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन में एक्स, और इन सभी में ये बातें याद रखिएगा जो मैंने चीज़ बोला था कि जितना यहाँ पे एंगल है उतने ही के रिस्पेक्ट में करना है, जितना यहाँ एंगल है उतना ही के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे जितना एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, जितना एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी साइन इनवर्स के अंदर भी जितना एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में, सब में, ठीक है। मैं सर्कल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, यहाँ पे भी ई टू द पावर एक्स है, जितना यहाँ पे ई का पावर है उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लॉग एक्स, जितना यहाँ लॉग का अंदर जो वैल्यू है उतना ही के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वह जाकर के वन अपॉन में एक्स आएगा। और मॉडुलस एक्स का जो है ये काफ़ी बार पूछ देता है,
ठीक है, इसको मैं प्रूफ भी करा दूंगा। इसका डेरिवेटिव होता है एक्स अपॉन में मॉडुलस एक्स, और ये कब होता है ये ध्यान रहे, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जब एक्स जीरो ना हो, क्योंकि एक्स नीचे जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो बाई जीरो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा, तो उनसे बचने के लिए यहाँ पे कह दिया कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, उम्मीद है ये आपको फॉर्मूला जो है वो याद करने में हेल्प मिलेगा आपको। ठीक, अब यहाँ पे जो अगला टॉपिक है जो हम सीखने वाले हैं इसमें, वो है कंपोजिट फंक्शंस का कैसे डिफरेंशिएशन करें। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि ये कंपोजिट फंक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए, जैसे अपने पास यहाँ पे y बराबर एक कोई फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे कंपोजिट फंक्शंस इसलिए इसको कहा गया है कि एक तो यहाँ पे साइन और ये टोटल क्या है थीटा, मतलब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन थीटा भी अपने आप में क्या है एक, ये जो एंगल है अपने आप में एक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, एलजेब्रिक फंक्शन। तो फंक्शंस के अंदर फंक्शंस हो जाए तो हम उसको कहेंगे कंपोजिट फंक्शन। आ रही बात समझ में? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया वाई बराबर अपने पास आ जाए एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, या फिर एक्स प्लस टू का और होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। तो इसमें आप देखेंगे एक तो ये इंटू में है, यू इंटू वी पे ये नज़र आ रहा है, साथ में सेपरेट देखें तो ये एलजेब्रिक का क्या है पावर, मतलब एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखें अगर तो इसमें दो फंक्शंस है, एक साइन और एक एलजेब्रिक, ठीक है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कंपोजिट भी है प्रोडक्ट भी है। तो हमें अभी जो सीखना है कि कंपोजिट फंक्शंस का कैसे डेरिवेटिव करेंगे ये सीखने वाले हैं। तो उसको करते हैं हम चैन रूल से। कैसे, किसके कौन से रूल से नाम से जानते हैं हम उसको, चैन रूल। ठीक है, तो देखिए चैन रूल यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है, चैन रूल। अब ये चैन रूल क्या कहलाता है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं उसी पे चैन रूल आपको समझाएंगे। और क्वेश्चन भी कौन सा ले लेते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक से ले लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, तो हमने पहला क्वेश्चन लिया, क्या दिया है, दिया है यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, तो इसको हम मान लेंगे वाई, वाई बराबर मान लेंगे इतना। अब ये कंपोजिट फंक्शन से हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि साइन है और उसके अंदर क्या है, एक अलजेब्रिक है, मतलब दो दो फंक्शंस है, एक कंपोजिट है। तो इसको हम करेंगे किसके, चैन रूल से। चैन मतलब चैन बनता जाएगा, चैन कैसे होता है, लिंक एक ये ऐसे चैन बनता है, तो मतलब चैन बनता जाएगा। तो समझेंगे कैसे बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें इसमें वन से लेकर के एट तक क्वेश्चन है सबको एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलित करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हमने यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स लिखा, ध्यान दीजिएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, हमें तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि साइन का डेरिवेटिव हो चाहे किसी का भी हो, यहाँ पे जितना एंगल होगा उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे हम उसको डिफरेंशिएट, तब जाके ये फॉर्मूला लगेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं साइन एक्स का या साइन थीटा का, तो ये जो ब्रैकेट में जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू, अब इनटू क्यों किए, क्योंकि ये फंक्शन सभी हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ है डेरिवेटिव, इसको अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कहोगे कि यहाँ पे क्यों हमने छोड़ दिया, तो उसका एक कारण है कि अब ये एक्स एक्स हो गया, कहने का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर टू, और एक्स का पावर टू है और नीचे भी एक्स है, तो जब ऐसे कंडीशन आ जाए तो वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम साइन, और ये टोटल क्या है एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना है, होता है कॉस एक्स, तो कितना कॉस, और एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, या फिर समझ लीजिए साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस थीटा, तो ये थीटा की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, एक्स स्क्वायर फाइव लिख दिया इनटू। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा टू एक्स, पावर पहले आ जाएगा, अब प्लस फाइव कॉन्स्टेंट है इसका जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये टू एक्स जो है मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, तो टू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो नंबर फाइव में हम बाकी के सारे क्वेश्चंस, जो रिमेनिंग सेवन क्वेश्चंस अपने पास एनसीईआरटी के बच जाते हैं टू टू एट, वो सारे क्वेश्चन हम कम्प्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लग रहा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इस चैनल को सपोर्ट करें और देखें। थैंक यू।